कितना ब्यूटीफुल लाइट्स लगा रखा है इन लोगों ने। ये जा रहे हैं हम लोग पूल में, तो ये रास्ता है, धीरे धीरे जा रहे हैं, दिख कुछ नहीं रहा हमें। और अब तो सीधा पूल में पहुंच के आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सो हम लोग आ चुके हैं पूल में और हम लोगों ने कपड़े कर लिए चेंज, रेडी है पूल, या पूल में जाने के लिए रेडी है सब लोगों ने। अरे बड़ी ठंड लग रही है यार, पैर सोन हो गए। पानी तो ही सेक निकलना, लस्सी जल के बन लेंगे, लस्सी जल के बन लेंगे। ये हम हैं, ये बूंदी है और ये बूंदी के पापा हैं। बूंदी के पापा ने पूल में नहीं आना है आज, फॉर अ चेंज शादी हो रही है। आज ये कहाँ का आनंद लिया जा रहा है बाबा जी? गरम गरम पानी में इतना मजा आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा डूब जाना है। कोई नहीं डूब, क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आता है। तो अभी हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं, एक्चुअली फैमिली के साथ अच्छा लग रहा है बहुत। इतने महीनों इतने सालों की जो थकावट थी आज उतर गई वाली यहाँ पूल में आके, बट मज़ा आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ, हम भी कर रहे हैं। जाना को दिखाओ, हेलो गाइस, जाना हेलो गाइस, क्या मैं स्विमिंग कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो आप? स्विमिंग कर रहे हो? और मेरे को मजा भी आ रहा है। आज का व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, हम लोग नहा धो के रेडी हो के अभी हम लोग आए हैं बॉलिंग करने के लिए। और यहाँ टाइम हो चुका है, आई थिंक 9 o'clock होने वाले हैं, 8:51 था शायद जो मैंने अभी लास्ट देखा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग आज बॉलिंग करने के लिए आए हैं। तो मैंने पहले एक बार किए शायद, अभी सेकंड टाइम करूँगा, तो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ आया हम लोग। और इसको अभी निन्नी आई है, ये सोएगी अभी। हाँ जी, रेडी रेडी फॉर बॉलिंग? इट्स बॉलिंग टाइम। ये देख लो जी, यूनिक चीज है जो बुढ़ी आंटी, बुढ़ी आंटी का चाटा। हम लोग अभी बॉलिंग करके निकले हैं, टाइम हो गया 11 रात के और हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, सारे शॉप्स बंद हैं।
देखते हैं अभी क्या मिलेगा हमें खाने के लिए। मिलेगा नहीं सुनते दो दो घट दो घुट लावांगे सो जाएंगे। हो खान पीन जोगे दे चल रंबा हाथे बहुती साड़ी मांग कोई ना हो साडे जिन्ने तां नजारे कोई लैंदा नहीं दे साडे जिन्ना तंग कोई ना आ दुख भी बड़े आ नाले सुख भी बड़े आ यार भुल भी गए ते बहुते नाल भी खड़े आ सब लोगों को लगी हुई थी भूख। ते दह पे सारे सारे पै गए रोटी नु टूट के रोटी के पै गए किसी नु पीन दी भूख किसी नु खान दी भूख किसी नु कॉम्बो दी भूख सोन दी भूख आज किसी नु नहीं गई। बच्चे सो गए टाइम ना ली तो मास्टर ऑफ इंडिया। हां जो भी न्यूजीलैंड में मेरा व्लॉग देखेंगे उनके लिए एक फीडबैक है, मास्टर ऑफ इंडिया का खाना बहुत अच्छा है। तो जो भी आओ इधर ऑर्डर करो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना। रोटी $6 की है, $6 की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग उठ चुके हैं सब लोग। यहाँ पास में मैंने बताया था लेक है, हम लोग लेक को जा रहे हैं देखने के लिए, लेक का व्यू भी। और सब लोग चले गए आगे, मैं और मासी रह गए फिर से। अबे हम लोग जा रहे हैं तो लेक पे जाके मिलते हैं आपको। वो हमारी जनता देख लो धीरे धीरे जा रही है आगे। ओए काकी, तो वहाँ पहुँच के मिलते हैं। बहुत अच्छा वेदर है आज का भी, मतलब धूप भी है हल्की हल्की और बादल भी हैं, तो यहाँ आसपास में पूरी ग्रीनरी है तो अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ आराम से बैठने का भी एरिया बनाया हुआ उन्होंने ग्रास पे, जैसे कुछ एक्टिविटी करनी हो, पर हमारे पास टाइम ही नहीं है अभी। बस हम लोग सब नहाएंगे और रेडी होके निकल जाएंगे वापस, क्योंकि हम लोगों को 10:30 बजे चेकआउट कर लें। तो आपको लेक पे जाके मिलते हैं। जीजू, हेलो गाइस, आज हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और हमारी मॉर्निंग वॉक 9:00 हो रही है। यहाँ पे जल्दी ऐसी है 10:00 हमारी फैमिली का रिवाज है, अगर कोई बंदा एक बारी कहीं जाए तो उसके साथ पूरे 10 घंटे को दोबारा जाता है। विद्या पढ़ाई, विद्या पढ़ाई है, देखो जी किसम चाहिए तो दस देना। सो ये हम लोग पहुंच चुके हैं लेक के पास में। ये रास्ता जा रहा है आगे से, थोड़ा मेरे को तो डर लग रहा है। एक बार यश लेके गया था हमें, ऐसे बोलता कुछ नहीं है कुछ नहीं है, साला इतना डर लगा आगे अंदर जाके। ये तो फिर भी मतलब कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत खतरनाक वाला रास्ता था जहाँ से वो लेके गया था हमें। तो अभी सब लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों में चल रहे हैं सारे, इधर देख के हेलो करो सारे जने। बाबा ने पहाड़ा च बहुत घूम लिया, हम सानू जंगलों च घुमान लेके आए। हम लोगों ने किया है फोटो शूट, वीडियो शूट, और रूही ने जीजू को गिराया। कहीं नहीं गिराया, बिल्कुल नहीं गिराया। हाँ पकड़ लिया था गिरते हुए, तू ना चल जी वापस। चलो ठीक, ये थी हमारी वेरी वेरी नाइस मॉर्निंग वॉक। ये वेरी फ्रेश वेदर, सच में यार ना फ्रेश, ना ठंडा ना गर्म। हाँ स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग। अभी हम लोग जाएंगे कुछ नाश्ता पानी करते हैं, नहाएंगे धोएंगे और निकलेंगे। कितना टाइम हो गया,
बट हम लोग को एक घंटे के अंदर अंदर हम लोग को निकलना है। सो हम लोग निकल चुके हैं अपने वापसी घर की तरफ। तो ऑलरेडी जीजू के विचार। हाँ, व्हाट इज योर विचार? विचार है नानी ने नवा प्रसाद। आई थिंक ये आयरिश लेदर है। कभी ऐसा देखा है? सास अपने जवाई राजा को दे रही है बताने के लिए। हम लोग आए हैं हुक्का फॉल्स रिवर। तो ये यहाँ का पूरा मैप है। अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर। तो लेट्स सी कैसा है ये रिवर। कायम ओ यस, ये है अच्छी चीज। वाटरफॉल साउंड चेक करो, साउंड पानी का साउंड चेक करो। ये है जी हमारा हुक्का फॉल। बहुत मतलब अच्छा खासा पानी चल रहा है यहाँ पे। साउंड चेक करो पानी का आप। आज मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं वैसे। मैंने आज कुछ नहीं लगाया, जेल नहीं लगाया। तो अभी हम लोगों ने अच्छा खासा फ़ोटो शूट किया क्योंकि व्यू इतना मस्त है, एक सीनरी की तरह लग रहा है। फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ही। और हम लोग अभी जा रहे हैं आके, मैं दिखाता हूँ आपको। वॉकिंग है पूरा मतलब रिवर के साथ साथ। तो हम लोग आगे चल के जा रहे हैं अभी। बाकी सब लोग चले गए हैं। दिखाएंगे आपको। क्या दिखाओगे आगे आपको पता होगा। सुंदर व्यू है यहाँ पे। अरे अरे अरे, वो तो लाजवाब है यार सच में। मतलब अगर मेरा फीडबैक ये है न्यूजीलैंड का कि हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए जो नेचर से प्यार करते हैं। Right? For nature lovers. हाँ. So heaven for nature lovers. सच में यार, कल हम लोग स्नो में गए थे, वो आपने वीडियोस देखी हैं पीछे। इतना मज़ा आया वहाँ पे, हाथ पूरे फ्रीज हो चुके थे हमारे क्योंकि हम लोग फिर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा। हाँ, बाद में मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं फ्रिज में रख दिए वो हाथ और उधर से निकाल लिया, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ये है जी नेक्स्ट व्यू। वाह, ओह माय गॉड, साउंड चेक करो पानी का यार। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तुसी साड तो पहला जाए, तुसी साड तो पहला जाए। बहुत बढ़िया लग गया। हाँ, व्हाट नो? लो जी मासी भी आ गए आगे से घूम के। हमारा अभी पेंडिंग है, तो अभी ट्रिप था ये वाला, आठवां ट्रिप था मासी का। हाउ आर यू? कहाँ आए हो आप? बोट में। हुक्का फॉल्स आए हैं। हुक्का फॉल्स।
बच्चों के लिए भी है, बच्चों को बिजी रखने का तरीका। वाओ, क्या कर रहे हो आप? हम लोग आए हैं लंच करने के लिए। स्टॉपेज लिया क्योंकि बहुत लंबा ड्राइव है, 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे बाबा जी की ड्रिंक, ओह यह दिस इज माय ड्रिंक। यहाँ से हम लोग कुछ खाने पीने के लिए लिया है बच्चों ने। इसने ली है 2 बहुत सारी चीजी, चॉकलेट। रो रो के बाहर आया, पता नहीं क्या कुछ उठा रहा था। क्या लिया आपने? चॉकलेट। बताओ गाइस को क्या लिया आपने? चॉकलेट। तो अभी हम लोग जाएंगे गाड़ी में फिर से, और अभी और 2-2.5 घंटे लगेंगे हम लोग को घर पहुंचते। तो मैंने साथ में अपना जुगाड़ लिया क्योंकि कई बार प्यास लगती है या घबराहट होती है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घर जाके अब आपको मिलेंगे।